पर बाबा जी कहते हैं कि देवी भले ही यह तुम्हारे सामने है और भले ही अपने वर्तमान में जी रही है, परंतु इसका भूतकाल का बचपन का शरीर काली शक्तियों की कैद में है, जिसकी वह बलि देना चाहते हैं। और इसे ही अपने उस रूप को उन काली शक्तियों की कैद से मुक्त कराना होगा। यदि यह ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो वह रूप किसी और ब्रह्मांड में इसके बचपन की शुरुआत करने में सहायक होगा। और यदि काली शक्तियां इसके उस रूप की बलि दे देती है तो वर्तमान में यह भी अपना अस्तित्व खोकर मृत्यु को प्राप्त होगी। इस पर ऋचा पूछती है, बाबा जी कृपया आप यह बताए कि वो मकान मुझे क्यों दिखता है और वह कहाँ है। इस पर बाबा जी कहते हैं, बेटी इससे पहले तुम बचपन में जहाँ रहा करती थी वहीं पर तुम्हारा वह बचपन का रूप कैद है और तुम्हें वहीं पर जाकर उसे उन काली शक्तियों से मुक्त करना होगा। इस पर ऋचा कहती है कि बाबा जी मैं अपने उस रूप को काली शक्तियों के प्रभाव से कैसे मुक्त कर सकते हैं। इस पर बाबा जी कहते हैं कि बेटी तुम्हें यह पवित्र गंगाजल अपने साथ लेकर जाना है और उस घर में जा कर सभी तरफ इस पवित्र गंगाजल को छिड़कना है और इसको चढ़ाते समय तुम्हें ओम शब्द का उच्चारण करना है। और ऐसा करते समय तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि बार बार तुम्हें ऐसा एहसास होगा जैसे कि कोई तुम्हारे पीछे है या कोई तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, परंतु तुम्हें घबराना नहीं है और हिम्मत रखनी है। और मैं तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ताबीज दे रहा हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो तुम्हें यह ताबीज अपने बाजू पर बांध कर रखना है और किसी भी स्थिति में इस ताबीज को अपने से अलग नहीं करना है। यह ताबीज तुम्हारी हर प्रकार की काली शक्तियों से रक्षा करेगा और यदि तुम्हारे सामने कोई भी आए, चाहे वह तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो या तुम्हारा वह बचपन का रूप ही क्यों ना हो, तुम्हें किसी की भी बात नहीं मानी है और अपने कार्य को करते रहना है। ऐसा तुम्हें 108 बार करना है। जब तुम यह कर लोगे तो उस पवित्र गंगाजल के प्रभाव से तुम्हारा वह बचपन का रूप उनके प्रभाव से मुक्त होकर दूसरे ब्रह्मांड में तुम्हारे बचपन की पुनः शुरुआत करेगा। इसलिए बेटा अब तुम देर ना करो और तुरंत ही वहाँ के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा वह घर जहाँ तुम पहले रहा करती थी जब तुम छोटी बच्ची थी। इस पर ऋचा अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या आपको पता है कि हम पहले कहाँ रहते थे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है, बेटी पहले हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक छोटे से कस्बे टनकपुर में रहा करते थे और वहीं पर एक मकान जो कि उस समय कच्चा मकान हुआ करता था उसी में रहते थे। इस पर ऋचा कहती है कि माँ मुझे वहाँ जाना ही होगा और अपने बचपन के रूप को मुक्त करवाना ही होगा, नहीं तो यह सपने मुझे इसी प्रकार आते रहेंगे। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटी इस काम में बहुत खतरा है, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकती हूँ। इस पर ऋचा कहती है, माँ हमेशा के लिए वापस ना लौटने से अच्छा तो मैं कुछ समय के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आप को ही बचा लूँ। क्या आप यह बर्दाश्त कर पाओगे कि आपकी बेटी अपने ही भूतकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाए? इस पर उसकी माँ उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं कहते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वे तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी उम्र भी उनके बच्चों को लग जाए। और मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चे तुम 100 साल जियो और अपनी जिंदगी में सभी खुशियाँ प्राप्त करो, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से नहीं रोकूंगी। रिया और उसकी माँ बाबा जी को प्रणाम करके वापस घर आ जाते हैं। इस कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा करें और इसी प्रकार की रोमांचक हॉरर स्टोरीज के लिए पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।